हेलो व्हाट्स अप गाइस, हॉर्नेट रॉन हियर। आप सभी लोग का स्वागत है माइनक्राफ्ट का हॉर्नेट पूर का एपिसोड नंबर 6 पे। तो गाइस एक मिनट, कौन चिल्ला रहा है भाई? अरे चुप, उतर वहां से। तो गाइस बात यह है कि मैंने इस बार जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया और जब मैंने इसका ऑडियो चेक कर रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि यार मेरा माइक तो स्टार्टिंग में ही ये बोला कि ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके, इसका मतलब ये पूरा रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरा माइक क्या कर रहा था पता है क्या? रिलैक्स। हाँ वही, इसका मतलब मुझे वापस से इस वीडियो पे पूरा वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ओ भाई मैं नहीं रोता। चलो वॉइस ओवर करते। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा डायमंड टूल ऑलमोस्ट मरने को आ चुका है एंड मेरे पास एक तलवार भी नहीं है। तो चलो हम अभी घर पे जाके हमारे लिए फटाक से एक आयरन पिकैक्स और एक आयरन स्वॉर्ड बना लेते हैं। तो गाइस आज के एपिसोड में कनका स्पोनर का एक्सपी फार्म बनाने के साथ साथ दो तीन छोटे मोटे काम भी है, वो सब कुछ हम लोग आज के इस एपिसोड में कम्प्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू होने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अपना लाइक का टारगेट सेम रहेगा गाइस 10,000 लाइक्स, आई होप तुम लोग कर दोगे, कर देना ब्रो। वैसे गाइस आजकल पिंगू बड़ा बदतमीज हुए जा रहा है भाई, तो यार मैंने सोचा कि उसके लिए एक घर बना के उसको उस घर के अंदर बिठा देते भाई। तो चलो पहले थोड़ा लकड़ियां काट देते और यार इनके लिए मैं सबसे पहले घर बनाऊं या ब्रीडिंग फार्म बनाऊं, तुम लोग ही बताओ। ओके, चलो थोड़ा और पेड़ काट लेते हैं। चलो अभी पिंगू के लिए छोटा सा एक घर बना लेते हैं। तो फाइनली हमने पिंगू को उसका दुकान में बिठा दिया है। ये देखो मिल्क फैक्ट्री और मिस्टर पिंगू ऑन ड्यूटी। अबे साले, चल एक बाल्टी दूध दे। तो गाइस रात हो गया तो सबसे पहले जाके सो जाते हैं, फिर सुबह होने के बाद बाकी का काम के बारे में सोचते हैं। The next morning. Good morning guys. तो गाइस अभी हम कंकाल का स्पॉनर का एक्टिव फार्म बनाने के लिए जो भी सामान का जरूरत है सब कुछ रेडी करना शुरू करते हैं। दो बकेट वाटर, एक हॉपर, एक मिनट, हाँ थोड़ा और पेड़ काटना पड़ेगा। अभी कंटिन्यू करते हैं। दो चेस्ट और एक साइन बोर्ड, बस। हाँ ब्रो बस उतना ही यार। लेकिन एक्सपी फार्म बनाने से पहले एक बार हम लोग अपना वीट का फार्म को चला के देख लेते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेड बना लेते हैं और अब फाइनली चलते हैं अपना कनकाल के स्पॉनर के पास। यार सबसे पहले इस गुफा का एंट्री को सही करना पड़ेगा भाई। इधर से इधर, इधर से इधर और एक जंप। इस गुफा को इतनी बार दिखा चुका हूँ शायद तुम लोग को यह जगह ऑलरेडी याद रहेगा भाई। नमस्ते। बग यहाँ से यार मुझे एक आइडिया दो, मुझे एक्चुअली ये केव तो एक्सप्लोर करना ही है लेकिन साथ साथ यार इस केव में मुझे कुछ बिल्ड करने का भी मन कर रहा है भाई। कुछ अगर आपके पास आइडिया है तो बताओ भाई। और ये हम पहुंच गए माइनशाफ्ट में। अभी हमें आगे से राइट लेना होगा, फिर और एक राइट लेना होगा, उसके बाद एक लेफ्ट लेना होगा। यार इसके लिए एक इजी रास्ता बनाना ही पड़ेगा। आई थिंक यहाँ से अगर अपन सीधा रोड लेंगे तो शायद अपन कनकाल का स्पॉनर तक पहुंच जाएंगे। और ये मैं पहुंच गया। तो गाइस जस्ट लाइक मकड़ी स्पॉनर, यहाँ पर भी हमें स्पॉनर के अगल बगल में चार ब्लॉक का गैप छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों साइड का गैप को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हमें स्पॉनर के ऊपर चार ब्लॉक फ्री स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो यार ऊपर का एरिया तो साफ हो गया लेकिन साथ साथ मेरा आयरन पिकैक्स भी शहीद हो गया भाई। अभी वापस घर जाना पड़ेगा भाई पिकैक्स बनाने के लिए। हट यार, इसके बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। अब देखते रहो, मैं इसी एपिसोड में ना यार इस स्पॉनर के पास जल्दी पहुंचने का कुछ रास्ता बनाने वाला हूँ। वाह भाई रात भी हो गया। ओ भाई यार इस गेम पर तो रात में मकड़ियां पर भी भूत चढ़ जाता है। चलो सबसे पहले सो जाते हैं, फटाफट आयरन पिकैक्स बना के अपना काम शुरू करते हैं ब्रो। रात को परेशान करते हैं, सुबह रिलैक्स करते हैं। तो गाइस अभी हमें स्पॉनर के नीचे तीन ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो गाइस अभी हमारा 9x9 का एरिया प्रॉपरली बन गया है और मेरा दूसरा आयरन पिकैक्स भी टूटने को आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा कुछ आयरन मिला तो सबसे पहले उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम एक छोटा सा वाटर सोर्स बना के दोनों साइड पानी भर देते हैं। उसके बाद जो भी जगह पे पानी पत्थर को टच नहीं कर रहे हैं वो सब पत्थर को हटा दो। यार मेरा इन्वेंटरी ऑलरेडी भर गया है तो इनमें से जो भी पत्थर है वो मेरे साथ नहीं आ सकते। तो मेरे को कहाँ आना है?
तो यार इसके बाद हमें एक ब्लॉक खोद के सीधा नीचे कनेक्ट करना है, तो आपको मैं कनेक्ट करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक पिकैक्स बना लेते हैं भाई। तो यार यहाँ पे पानी का फ्लो को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाना होगा। तो साइन बोर्ड में हम लोग कंकाल के लिए एक मैसेज लिख देते हैं, खत्म। तो जब भी कंकाल यहाँ से फ्लो होगा तो ये पढ़ के जाएगा। अबे साले, अभी हम लोग नीचे हम लोग के हिसाब से थोड़ा एरिया बना लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा गड्ढा बना के चेस्ट और हॉपर प्लांट कर देते हैं। अब मैं अटक गया। तो गाइस अभी अपना आधा काम खत्म हो गया है, अभी अपने को ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बनाना होगा। ओ भाई मेरे को टफ ब्लॉक मिल रहा है इधर, तो यहाँ पर अपना एंट्रेंस है, आई थिंक मैं इसको सब तोड़ देता हूँ। और यार वैसे एरिया क्लियर करते करते मुझे लैपस वसूली भी मिला। तो गाइस हमने अपने लिए एक एंट्रेंस भी बना लिया है, बस अभी हमें एक ही काम करना बाकी है, वो है स्पाइडर स्पॉनर के बगल का सारे टॉर्च को हटाना पड़ेगा। वो स्पॉनर मेरे मोस्ट प्रोबेबली सामने ही रहेगा। आज हमें लैपस वसूली भाई बहुत ज्यादा ही दिख रहा है भाई। तो गाइस यहाँ पर धीरे धीरे करके जाते हैं, मुझे ये सारे टॉर्च भी हटाना है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक काम है यार ये। मुझे जल्दी से जल्दी ये स्पॉनर का टॉर्च सब हटा के भागना होगा भाई। ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। अरे मैं एक नंबर का नूबड़ा हूँ यार। यार यहाँ पे पानी आने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। तोबा तोबा तोबा, पहले हम लोग को ये भी तो तोड़ना पड़ेगा, तो ही पानी फ्लो होगा ना भाई। तुमसे ना हो पाएगा। A few minutes later. तो गाइस यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊंगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंकाल नाचना शुरू हो गया यार। यहाँ पे मैं सबको पक्का मार सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मजा आया। तो यार यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए AFK हो जाता हूँ, तब तक आप लोग इसका सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही आवाज आ रहा है यार, ये देखो कितना सारा कंकाल है भाई यहाँ पे। हो देख, हो ऐसे यार ये समय ना एंचेंट करके अगर मैं आऊंगा तो यार बहुत ज्यादा मजा आएगा। बस एक और चीज है यार कि यार मुझे यहाँ पे ना अपना हॉपर के ऊपर एक कारपेट लगाना होगा। एक काम करते हैं, मैं घर पे जाता हूँ, जाके एक कारपेट लेके आता हूँ। यार कितना टाइम लेता है यार ऊपर आने के लिए। कारपेट 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 नहीं है। तो एक काम करते हैं यहाँ से कारपेट उठाते हैं हम लोग। तो गाइस वापस से मैं अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ से सीधा कूदने का जगह कहाँ है भाई, कहाँ है? अच्छा यहाँ पे ना, ये बोई, और यहाँ से इधर कूद देंगे। तो गाइस अब मैं वापस से अपना कंकाल वाला स्पॉनर के जगह तक आ चुका हूँ। तो ये मैं आ गया, यहाँ पे मैं एक कारपेट लगाने वाला हूँ, और यहाँ पे इसके बदले में ग्लास लगाऊंगा लाइक दिस एंड दिस। तो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे काम खत्म हो गया है, मुझे और एक काम करना अभी भी बाकी है। जैसे कि आप सब लोग को भी पता है यार कि मेरे घर से ये दोनों स्पॉनर काफी दूर है, तो यार मुझे मेरा ऊपर से ही नीचे आने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना होगा। एक काम करते हैं, मैं वही बनाने वाला हूँ, मैं उसका सोच ही रहा था, लेकिन यार ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो करना, देखो यहाँ पे है अपना स्पाइडर स्पॉनर, लेकिन हमें यहाँ नहीं आना है, हमें एक नॉर्मल एरिया चाहिए जो दोनों से। हेलो फ्रेंड्स। गिर के मर गया। तो गाइस अभी हम लोग एक काम करते हैं, मुझे ना यार मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करूंगा मुझे नहीं पता, मैं क्या, कुछ तो काम करना पड़ेगा मुझे, कुछ भी। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार ऊपर से एक लिफ्ट बना दे। एक काम करते हैं, ये एरिया सही रहा तो इस एरिया के सीधा ऊपर का मैं ये देखता हूँ, ये क्या है, -467 -343। एक मिनट में इसको लिख के रख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मुझे आना है, तो मैं ऊपर जाता हूँ, वहां से माइनिंग करना शुरू करता हूँ, क्या पता बहुत जल्दी ही मैं यहाँ पे पहुंच भी सकता हूँ। यार अगली बार से मुझे सबसे पहले एक शील्ड बनाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा भाई, ये कंकाल वाले छोड़ेंगे नहीं मुझे। काम करते हैं, जाते सो जाते हैं।
ओ भाई हेलो, अच्छा अपना पिंगू इधर ही है, मिल्क फैक्ट्री मिस्टर पिंगू ऑन ड्यूटी। हाँ इधर ही है। सुबह हो गया है, हमें सबसे पहले -467 और -343 में जाना होगा, तो हम लोग एग्जैक्ट उस ब्लॉक पर जाते हैं। Two very boring minutes later. तो गाइस मैं एग्जैक्टली -467 और -343 पे हूँ और मुझे -8 तक जाना है वाई एक्सिस में। तो यार -8 तक जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पानी को कवर करते हुए हमें जाना है। आई थिंक घर पे मेरे पास बहुत ज्यादा ही वो रहेगा भाई, वो क्या है, वो कुछ तो रहेगा, इतना ब्लॉग मेरे हिसाब से काफी रहेगा। एंड में एक काम करता हूँ, मैं और एक ना पिकैक्स बनाता हूँ, मुझे ना मेरा पिकैक्स पे भरोसा नहीं है। तो अभी जाते हैं हम लोग नीचे पूरा माइन करते हैं। तो यहाँ के सारे पानी क्लियर कर दिया, अभी हम लोग को डायरेक्टली नीचे जाना है हर एक ब्लॉक। ओहो, कोल मिल रहा है भाई, कोल भी ले लेंगे। कोल मेरा फ्रेंड है भाई, कोल के अगल बगल में ना कुछ तो छुपा होता है, तुम लोग को तो पता ही हो गया ऑब्वियसली। मैंने बोला ना, ये देखो आयन छुपा के रखा है। कहीं तो गिर गया भाई, मत भाई तू कहाँ से आ रहा है। और ये बंद कर दिया और इससे नीचे और जाते हैं। हम लोग को -8 तक जाना पड़ेगा भाई, मतलब बहुत नीचे जाना है हम लोग को एक्चुअली। तो गाइस ऊपर से सीधा मैं आ गया है यहाँ पर और मुझे अब यहाँ पे पानी का सोर्स बनाना होगा, सो दैट जब मैं यहाँ पे कूदूंगा तो कुछ नहीं होगा मुझे। यहाँ पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स रहेगा। अब मुझे ऊपर जाने के लिए भी एक रास्ता बनाना होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आ सकते हैं, जा तो नहीं सकते। मैं ऊपर जाता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। तो गाइस वापस से रात हो गया भाई, क्या बताऊँ मैं। तो गाइस एक काम करते हैं, वहाँ पे अपने अलावा और कुछ भी जानवर कूदना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं वहाँ पे एक ट्रैप डोर लगा दूंगा, सो दैट सिर्फ मैं ही वहाँ पे कूद पाऊँ। अच्छा इधर भी नो एंट्री हो गया। तो गाइस यहाँ से सिर्फ मैं जा सकता हूँ, लेकिन इसके अगल बगल में मुझे एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने का है। तो एक काम करते हैं, हम लोग वो बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस ये एक छोटा सा डिजाइन है, अभी हम लोग इसके अंदर जंप करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ओ भाई कितना डार्क है भाई साहब। वैसे एक बार सोल सैंड मिल जाएगा तो यार मैं ऊपर जाने के लिए भी एक लिफ्ट बनाऊंगा। तो यार लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोगों ने तीनों स्पॉनर को एक्सपी फार्म में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन इन एक्सपीओ को खर्च करने के लिए हमें एक एन्चेंटिंग टेबल और उसके सराउंडिंग में पूरा बुकशेल्फ भी तो चाहिए। लेकिन यार बुकशेल्फ और एन्चेंटमेंट टेबल तो बन जाएगा छोड़ो, लेकिन जो बुकशेल्फ है उसके लिए हमें लेदर और पेपर चाहिए, जो कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यार हम लोग अपने घर के अगल बगल में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता गलती से अगर हमें एक विलेज मिल गया और उस विलेज में एक लाइब्रेरियन मिल गया तो यार मजा ही मजा आ जाएगा भाई, उसके पास तो बुकशेल्फ रहेगा ही रहेगा। तो देखते कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो यार जाते हैं हम लोग थोड़ा सा अपना एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। यार वैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा डार्क ओक का जंगल है। आई होप डार्क ओक में विलेज होता है, मोस्ट प्रोबेबली यार एक गाँव तो होता ही है। ओ हो ये क्या है, ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ हो बाय 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 बाय। गाइस मैं ग्लोबरी वाले एरिया पे आ गया यार, एंड यहाँ पे एक ग्लोबरी है और यहाँ पे एक एजिलेटरी है जिसको मैं उठा लेता हूँ। यार ये ग्लोबरी तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। और यहाँ पे एक मॉस ब्लॉक है, मैं वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एक ये क्या है, एजिलिया, और ये फ्लावरिंग एजिलिया, दोनों कलेक्ट कर लिया। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, वापस से अपना जर्नी जो है उसे कैरी ऑन करते हैं। वहाँ पे मुझे लावा नजर आ रहा है, तो लावा दिखा तो यार मेरे पास एक एम्प्टी बकेट भी है, तो जाता हूँ मैं थोड़ा सा लावा कलेक्ट करके आता हूँ, ये अचीवमेंट भी अनलॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे गया और ये लावा उठा लिया। भाई साहब ये विलेज कितना मस्त लग रहा है, और यहाँ पे तो एक रुइंड पोर्टल भी है ब्रो। ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग एक एक करके सारे घर लूटते हैं, देखते हैं कि इनके घर पे क्या मुझे मिलेगा। और यहाँ पे एक रुइंड पोर्टल है भाई, इसमें एक गोल्डन एप्पल, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फ्लिंट, ऑब्सीडियन ले लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इस विलेज को पूरा एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते। क्राफ्टिंग टेबल है भाई, ये भी क्राफ्टिंग टेबल के साथ है भाई। ओ फाइनली एमराल्ड मिला भाई मुझे। तो यार बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस गांव में आने से मुझे काफी अच्छा लूट मिला है, बट यार लाइब्रेरियन नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, अगला एपिसोड में हम लोग अपने लिए एक बहुत ही अच्छा एन्चेंटिंग रूम बनाएंगे और साथ साथ पूरा डायमंड आर्मर भी बिल्ड करेंगे। okay. तो गाइस आई होप तुम लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो गाइस नंबर 3000 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार मिलते हैं अगला वीडियो पे, टिल देन योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।